Hey guys, welcome back to the new video. आज के इस वीडियो पे बात करेंगे Oppo Reno 11 Pro के बारे में। ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और क्या प्राइस के साथ आएगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा, आज के इस वीडियो पे ये स्मार्टफोन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस के बारे में। यह स्मार्टफोन में इस बार क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट मिल जाएगा, जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 1.3 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और गाइस, पिछली बार ओप्पो रेनो 10 प्रो में आप लोगों को क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778 का प्रोसेसर मिलता है। और इस बार ओप्पो रेनो 10 प्रो से ओप्पो रेनो 11 प्रो में बहुत बड़ा जाम देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस को लेकर। और डिस्प्ले का बात किया है तो 6.74 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 3D का OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ 1600 nit peak brightness मिल जाएगा। HDR 10 प्लस का सपोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और 240 हर्ट्ज का टास्क सैम्पलिंग रेट दिया गया है। और 4700 mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 80 और फास्ट चार्जिंग को। आज चलिए कैमरा का बात कर लेते हैं। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सोनी IMX 890 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट मिल जाता है। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाती है। उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे और सेल्फी कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये स्मार्टफोन इंडिया में आने के बाद देखेंगे कैमरा क्वालिटी कैसा है। और स्मार्टफोन का वेट एंड थिकनेस का बात किया तो 8.2 mm थिकनेस, 190 ग्राम वेट। ये स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इंडिया में जब आएगा 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट आप लोगों को 45,000 rupees में देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन इंडिया में जनवरी महीने के लास्ट में देखने को मिलेगा। और ओप्पो का रेनो सीरीज अपना टॉप नॉइज लेवल का कैमरा और तगड़ा डिजाइन के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, आप लोग ओप्पो रेनो 11 प्रो को लेके एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।